हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजी ट्रॉनिक्स। इस वीडियो में हम स्विच के स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। स्विच के स्टेटमेंट क्या होता है और इसका यूज़ क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्विच के स्टेटमेंट क्या होता है। फ्रेंड्स, जिस तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है, ठीक उसी तरह से स्विच के स्टेटमेंट भी काम करता है। इसके अंदर भी हमें कंडीशन और स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। इसका सिंटेक्स रहता है स्विच, और यहाँ पर आपको वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है, और इसके बाद इस वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यू को केस में लिखना पड़ता है। और अगर वेरिएबल की वैल्यू केस में डिफाइन किए हुए वैल्यू से मैच हो जाती है, तब उस केस के अंदर लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास में एक वेरिएबल है जिसका नाम है एक्स, और इस वेरिएबल का डेटा टाइप है इंटीजर, और मैं चाहता हूँ कि जब एक्स में स्टोर होने वाली वैल्यू 1 हो, तब स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो। और अगर इसी तरह से x की वैल्यू 2 है, तो उसके लिए स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो, और जब x की वैल्यू 3 हो, तब स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट हो। और इन तीनों वैल्यू के अलावा x की कोई और वैल्यू के लिए मैं स्टेटमेंट 4 एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ। और अगर मैं इसी प्रोग्राम को इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके लिखूँगा, तो मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसी प्रोग्राम को स्विच के स्टेटमेंट का यूज़ करके लिखूंगा, तो मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जब वेरिएबल x की वैल्यू 1 होगी, तब स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पर हमने स्टेटमेंट 1 के बाद में ब्रेक फंक्शन का यूज़ किए हैं। इससे ये होगा कि हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल केस 2 और केस 3 को बिना चेक किए स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। और अगर वेरिएबल x में स्टोर होने वाली वैल्यू 1, 2 और 3 के अलावा और कोई दूसरी वैल्यू रहती है, तब डिफ़ॉल्ट के अंदर हमने जो स्टेटमेंट लिखे हैं, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्विच के स्टेटमेंट को इफ एल्स स्टेटमेंट से कंपेयर करेंगे, तो आप देखेंगे कि जब हमारे पास कंडीशन ज़्यादा हो, तब स्विच के स्टेटमेंट का यूज़ करना ईजी रहता है। इसीलिए हम अपने बड़े प्रोग्राम में जहाँ पर कंडीशन ज़्यादा रहती है, वहाँ पर हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करने की बजाय स्विच के स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हम स्विच के स्टेटमेंट का यूज़ क्यों करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप इसी तरह से आर्डुइनो के बेसिक्स सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।